वर्क टीम ने गायों को खिलाया चारा, किए पुण्य के काम, गौरक्षक दल ने किया स्वागत। वर्ग चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर टोंक ने आज आचार्य शम्स नवेद उस्मानी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कामधेनु गौशाला पर गायों को चारा खिलाया और नेकी के कार्य किए। वर्ग प्रवक्ता सैयद असकर अली ने बताया कि अंतिम संदेशता पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का दिव्य कथन है कि मैं यह नहीं कहता कि तुम पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार ना करो, बल्कि उनके साथ उच्च व्यवहार करने पर भी उपकार मिलता है। वर्ग टीम असगर अली के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय कामधेनु गौशाला पहुंचकर गायों को चारा डाला। कामधेनु गौशाला पर शुभम हिंदू गौरक्षा दल की टीम अंकुर, रवि, राहुल, सुनील, रिज, मोहन, राजेश, दिलखुश, रवि, महेंद्र, गणेश, अंकुर इत्यादि ने वर्क टीम का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्य की आवश्यकता है। शाहीन एकेडमी के संरक्षक आमिर सिद्दीकी, हारून रशीद के अलावा वर्क टोडा स्ट्राइशिंग टीम आरिफ हुसैन, एहसान खान तथा सैयद मस्कुर अली हैदर खान इत्यादि रहे मौजूद। आमिर सिद्दीकी ने बताया कि हमको सृष्टि में बसने वाले सभी की सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ज्ञात रहे कि वर्क संस्था भारत को विश्वगुरु बनाने में सकल प्रयास कर रही है और ये आचार्य शम्स नावेद पकाने का कार्य कुक कम हेल्पर द्वारा किया जाता है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यरत कुक कम हेल्पर्स जो भोजन बनाने या पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता, खाद्यान्न के रखरखाव व पोषक तत्वों से युक्त भोजन तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण दिए जाने के लिए जयपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षित कुक कम हेल्पर ब्लॉक स्तर पर सभी हेल्पर्स को प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर शिक्षक नेता सैयद महमूद शाह, संदर्भ व्यक्ति राम सहाय वैरवा, ब्लॉक प्रभारी इंद्र कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक सुरेश बुंदेल, साक्षरता प्रभारी अब्दुल रशीद नकवी, दल प्रभारी राहत परवीन, MIS नदीम अहमद, शिक्षक हरी राम जाट, हंसा देवी गुर्जर, अहमदपुरा पालड़ा सकीना बानो, फर्रुखाबाद लवादर उमा देवी बगड़ी धूली देवी बरौनी रेहाना बहीर आदि मौजूद रहे। टोंक से हमारे संवाददाता सुभाष चौधरी की रिपोर्ट।